चली जी, मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? बाबूजी, मैं बांदा जिला गांव फतलपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम ज्योति है और घर में एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम दीपक है और घर में बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ राजेश कुमार है। लेकिन बाबूजी, हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे। जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे तभी हमारी माँ हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और माँ के गुजर जाने के बाद मेरे बाबूजी दूसरी शादी किए। घर में सौतेली माँ आई जिनका नाम गंगा देवी है। लेकिन बाबूजी, मैं दोनों आँखों की अंधी हूँ।
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरा मुन्ना कॉलेज गया है और आज छोटू भी नहीं मिल रहा, ना जाने कहाँ छोटू भी चला गया है। मैं आगे चलकर आवाज लगाती हूँ, हो सकता है कि छोटू मुझे मिल जाए। छोटू मिल जाएगा तो मैं छोटू से कुछ बातें करूंगी। मैं आगे चलती हूँ। ज्योति दीदी। हाँ भैया। छोटू। हाँ दीदी। तू कहाँ चला गया था भैया? मैं घर में काम कर रहा था दीदी। काम कर रहा था घर में? हाँ दीदी। लेकिन मुन्ना। जी दीदी। एक बात ये बता कि मुन्ना दीपक कॉलेज से आया कि नहीं आया? अभी नहीं दीदी, कॉलेज से आने का समय हो रहा है। दीदी आप बैठ कर आराम करिए, भैया आते ही होंगे। अच्छी बात है मुन्ना, मैं आराम करती हूँ। मुर्गी की नहीं आई छाते है। हाँ ये काम करे, सबसे पहले देख कि घर में ज्योतिया बा आए तो आए तो फिर बताओ कि गंगा देवी तोर माई आई है। अच्छा। बुलावत यहाँ मिले बर, जल्दी बुलाओ। ठीक है दीदी, आपसे मिलने के लिए माई है दीदी। छोटू माँ जी आई हैं? हाँ दीदी। कहाँ है माँ? सामने बैठी है। ठीक, माँ के चरणों में बेटी ज्योति का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहा नानी, खुशी रहा। मार बिटिया खड़ी हो जा और बतावा का हाल बा तुम्हार। माँ मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन एक बात ये बताओ माँ, तुम कब आई माँ? हे बिटिया आ जाइए, आ जाए तो से की हेल्प चाहिए हमके छोटी सी। कौन सी हेल्प माँ? अरे की काम करे कह रानी, काम ये है कि देखा हम यहाँ से जब गए हैं ना तो जब हम साड़ी पहने रहे वो बिना धोए पछारे से धे के चली गई अलमारी में। अब अलमारी से पहरे हो तो तू धोइन दिए हो तू। हाँ, लेकिन आज ना घर के नल खराब हो जब रानी। क्या माँ नल खराब हो गया है? हाँ बिटिया, अब वहाँ दूठी साड़ी बाटे रानी, तू लाइक वह पहाड़िया जो नहीं ना पहाड़ी डाक के जब जाबू तो झरना नहीं बहाता है, झरना दोनों साड़ी धो के पछार के सुखवा के लेके चले हो तू, तमाम नहाए धोए के मनाई हो जाए रानी। इतना काम हमार कैदा ओकरे बाद तब फिर हम कुछ खाई पी। माँ तुम कह रही हो कि मैं जाकर नदी पे कपड़े धुल कर लाऊं? माँ तुम तो जानती हो कि मैं दोनों आंखों की अंधी हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है माँ। मैं कपड़े को लेकर कैसे जाऊंगी माँ, और कहीं मेरा पैर फिसल गया ना दी, मेरा पैर फिसल जाएगा माँ तो मैं तो मर जाऊंगी। अच्छा मैं कपड़े धुलने नहीं जाऊंगी माँ। कपड़ा धोने बिटिया अब घूम लकलकाई बरे, चाहे तो इधर उधर घूमबू बाजारे हाटे चली जावे तो हमारे की साड़ी धोवाई के बाटे तो कौन ही करी करा दबा। हम तो से आखिरी बार पूछा था और तो के अच्छे से बता रहे कि हमके गुस्सा बहुत जल्दी आवा थे। हम तो से पूछा था जावे कि ना जावे। माँ तुम तो जानती हो माँ कि मेरा मुन्ना कॉलेज गया है। हाँ वो कॉलेज से आएगा। हाँ मुझे नहीं पाएगा, तू सोच मेरा मुन्ना तो जीते जी मर जाएगा माँ। अरे कुछ ना होए, तोरे मुन्ना के हम समझाए ले भाई, बताए जब दीपक को कहूँ गई है काम से। हम तो से पूछे तो जाबे कि नहीं? नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं तोर भूत जाए रे,
बस ते देखत रहो हम तुके कैसे भेजा। मेरी साड़ी जोतिया रे धोना पड़ेगा, नाम गंगा दे। अगर हम तो के भेज न दिए ना तो हम अपन नाम बदल देब रे। या तो आज तोरे से तोरे मुहे से हानि करी या तो तोरे शरीर से जान नहीं करी, हम तो के तब तक मारब रे जब तक ते कपड़ा धोए बरे हाँ नहीं बोल देते, या फिर जब तक तोरे शरीर से तोर जान नहीं निकल जात तब तक मारब रे। तो तैयार हो जाए तो मरई बरे या तो फिर करई बरे। साड़ी ओका दे। अच्छा तोरे आंखे में कुछ सी राख नाही पक्की कसाई नहीं। हां दे साड़ी ओका मजबूत दे। हां मारे पड़े दे किरवा तई दे हर तई अपने बचाए तोरे किरवा न पड़े। ले रे पकड़ राल के बिटिया किरंतम बलंत
ले पकड़ लाठी पकड़ अपन चल लेके निकल यहां से। अरे कि साड़ी में के एक सूत एक सितारा अगर निकल गया सितारा निकले चाहे फाट दायु। अरे अरे अगर निकल गया रे राण की बिटिया तब तोहार जिंदगी हम खाता में कह दे अतरे हराम खोर का लुटवा जाए जी नहीं आए करे साथ ही समझ में आए जाबे नहीं जाबे ना जाबे ना आ तू जा ना जा आ जाबे ना जा आ जाबे अर जा तब आए जब ऐसे या मालिक तेरा ही सहारा है भगवान तू रक्षा करना ऊपर वाले तेरा ही सहारा है। दुख ना बरा सहेलो न जाता दुख ना बरा सहेलो न जाता खुशी छीन लिहाल चाहे दीदी चलो आप बैठ करके कपड़ा धो लो दीदी। नहीं आएगी दीदी नहीं भैया मेरी गठरी निकालो भैया। जब आप नदी के किनारे बैठी कपड़ा धोने के लिए तभी पानी का झोंका आया और गठरी को अपने साथ लेकर के चला गया दीदी। नहीं भैया मेरी गठरी नहीं मिलेगी भैया तुम मुझे बहुत मारेगी भैया मेरी गठरी निकालो ना भैया। नहीं दीदी हम लोग चलेंगे माँ के पास माँ से क्षमा मांगे की माँ जी ये काम हम लोग जान बूझ कर नहीं किए माँ जी जरूर माफ कर देगी दीदी। भैया हाँ दीदी तुम चलोगे मेरे साथ में? हाँ दीदी मैं चलूंगा। ठीक है भैया चलो माँ के पास भैया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन न समाए
सीधा नदी में जाए के गिरी जब वह लगाए हैं यही पे आराम से करा करे आराम करी हाँ चल तेरे पैर दबाता हूँ मैं बेटा आ बैठी है दीदी माँ अरे ओ माँ देखो माँ तुम्हारी ज्योति बेटी आई है माँ हाँ ए आगे भैया हमारे प्रमादनी ए दूल्हे राजा जी के मामी जी की तरफ से ए 60 रुपया का महान पुरस्कार ज्योति दीदी के लिए स्पेशल आया है मामी जी से आशीर्वाद की कामना है धन्यवाद बहुत मैगरानी यही न जोतिया बरे अब भाई उनकर मैगरा आप सब हम निकाल ले थी अरे अरे यार ज्योति एक काम कर बिटिया आई गयो तू सबसे बड़ी सोचे वाली बात कैसे आई चला जब आई गयो तला यार साड़ी दा तनी मऊ चली नहाई धोई साड़ी उलझन लागत है हमारी माँ मैं कैसे बताऊ माँ कैसे बताऊ का मतलब कपड़े को धोने गई थी माँ और बहुत जोरों से पानी का झोंका आया माँ और उसी पानी के झोंके में गठरी बह गई माँ अरे बाप रे बाप तई हमारे तनी महंगी महंगी साड़ी गवाए के चली आए आपन कर मातारी के पर जोत मातारी माइंग तरह रहा देखा बेचारी तो आंखी से देखा नहीं होका मुलग मारू जिन माता हम तो मारब रे मारब एक ही बार टेस टेक के बाद भाग गवा ताहू कुछ कहबे तो कह निकल हम भागे वाले नहीं का करबे रे तई मरबू मारब चल ठीक है देख हाँ बताओ रे माँ जब गठरी बह गई माँ तो मेरा भी पैर फिसल गया था माँ तो पैर फिसल गया रहा माँ तो गए काहे नहीं रे माँ हाँ जब मेरा पैर फिसला तो छोटू आकर मुझे बचा लिया नहीं तो ये तुम्हारी बेटी भी मर जाती माँ अरे हराम छोटुआ तो का बचा लिए तो बच गए हमार साड़ी नहीं बचाई पाए सना साड़ी नहीं बचाई पास तो का बचा लिया सारे ते हुआ से तो बच के चली आए ते नदी के कहर से बचे लेकिन गंगा देवी के कहर से ना बचबे आना तो का क्यों बचाई हेलो ये आ गए बुकई काका बुकई काका आ गए कहा था हाँ अगर ते मरबे तो 200 रुपए देता है 200 जूता मारब सवेरे के का देते हैं हम नहीं तोहका देता है हमका अच्छा ना चावन भी आ गया
तो दे 200 हमका पहले तो दुई सौ जूता ये 200 में हम 200 हंटर मारे का अब पोकाई के देखी का करा थी ने आज हमें नहु कहो काते ना पर पोकाई तो हर पानी उतार ए चले अब तैयार हो जे तई मारे खिला खोकी साड़ी मेरी गमा जो दिखाने तू आई ही चली इससे अच्छा तो होता अरे मरे गई होती लेके मैं हूँ से सकले तू आई ही चली समझ में आए? कौन तो मर्द बना थे रे? माफ कर दो ये गलती मेरी प्यारी माँ और गलती माफ ना याद हम तो के साफ कह जाओ रे